हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि चाहे आप टेलीग्राम पे कमेंट करते हो या फिर इंस्टाग्राम पे, इवन इंस्टाग्राम पे कुछ टेक्निकल इश्यू आ चुका है, उस वजह से मैं जो है अपना ओपन ही नहीं कर पा रही हूँ, तो वहाँ के कोई भी मैसेज मैं देख नहीं सकती हूँ। ठीक है, तो आप जो ये वीडियोज़ होता है ना उसके नीचे कमेंट कर दो, क्योंकि जैसे मुझे समय मिलता है मैं एक एक कमेंट पढ़ती हूँ और जो मुझे लगता है कि यस इसका आंसर देना चाहिए मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझा दूंगी। ठीक है, सो सॉरी फॉर दैट अगर आपको लगे कि मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ इस वजह से, क्योंकि एक तो बहुत सारे मैसेज आते हैं, देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलो मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो भी आपके डाउट्स थे, सबसे पहला और एक कॉमन डाउट यही है कि क्या जो रिजल्ट आता है उसमें एक या दो नंबर बढ़ता है या नहीं, क्योंकि जिसका एक या दो नंबर से रुका है ना, तो वो हर इंसान चाहता है कि एक नंबर बस आ जाए, कैसे भी करके 90 आ जाए या फिर 82 आ जाए, ताकि हम कोई भर्ती परीक्षा दे पाएं। तो मैं आपको हर एक चीज़ ऑथेंटिक ही बताती हूँ, आज भी वही चीज़ें बताऊंगी, क्योंकि गोल गोल घुमाने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वो चीज़ें दिख जाती हैं। जैसे कि आंसर की जो मैंने डेट बताई थी 14 फेब, वो वही हुआ। रिजल्ट की डेट और नॉर्मलाइजेशन कल बताऊंगी, अभी मैं क्रॉस उस पर वेरीफाई कर रही हूँ, जैसे क्योंकि मुझे पता तो चल चुका है कि किस दिन आने वाला है आप सभी का रिजल्ट। ठीक है, एकदम कंफर्म हो चुका है, बट उसको थोड़ा सा और वेरीफाई करने के बाद ही बताऊंगी, अदरवाइज आप सब मुझे इतना सुनाने लगते हो तो कल आपको पता चल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट जैसी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है मैं आपको अच्छे से बता सकूं। देखो, सबसे पहले एक या दो नंबर बढ़ता है या नहीं, अगर मैं अपना बताऊं तो मैंने एकदम 2 से 3 बार मिलाया था आंसर की, तो मेरे नंबर ना घटे थे ना बढ़े थे। अगर आपने बहुत सही तरीके से मिलाया है तो आपका एज इट इज़ उतना ही नंबर होगा, बट कई बार होता है जल्दीबाजी में हम मिला लेते हैं तो हमारे एक या दो नंबर छूट जाते हैं, जो कि रिजल्ट में आपको वो बढ़ा हुआ नंबर दिखता है। ठीक है, तो यह पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, तो मैं आपको यही बोलूंगी, नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर वो हुआ तो ऑब्वियसली बात है नंबर बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। अब मार्क्स कम आया, चैलेंज करें या नहीं करें, देखो अगर आपको सच में लगता है 100% आप श्योर हो कि यस गलत है क्वेश्चन, नंबर मिलना चाहिए, देन आप करना, अदरवाइज आपको ही पता है सीटेट जो है मानता ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत चेक क्रॉस वेरिफिकेशन वो भी कराते हैं और कई बार ऐसा हुआ है कि वो लोग नहीं माने हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे स्क्रीनशॉट भी भेज देना। हाँ, ये है कि अगर चैलेंज होता है तो ऑब्वियसली बात है अगर वो चीज़ सही हो जाए पैसे भी वापस नंबर भी मिल जाएंगे। दूसरी चीज़ एक है कि आंसर में एक तो 9 आ रहा है और 1, 2 या फिर 2, 3, 4 आ रहा है, मतलब एक ऑप्शन में, एक आंसर में दो दो ऑप्शन दिख रहे हैं। देखो 9 का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन में गलती थी या फिर ऑप्शन में, तो वो जिसने भी उस ऑप्शन को, अब ऑब्वियसली बात है कि 150 क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो सबने किया ही होगा, तो जिसके भी ऑप्शन में 9 बन के आया हुआ है ना आंसर सीट में, उन सभी को नंबर मिलेगा, तो एक नंबर एक्स्ट्रा जोड़ लो। अब 1 और 2 या फिर 2, 3 जो भी नंबर है, बट एक आंसर की में, मतलब एक लाइन में अगर दो ऑप्शन दिख रहा है, कोई भी नंबर कोई भी डिजिट हो, इसका मतलब यही होता है कि 1 और 2 मतलब 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3, 4 मतलब 3 भी सही है, 4 भी सही है, दोनों ऑप्शन को वैलिड करते हैं। ठीक है, तो आप उसमें देख लो आपने दूसरा लगाया, चौथा लगाया, पहला, तीसरा, तो दोनों को मत देखना, जो भी आपका है वो सही माना जाता है। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिसका निकल चुका है, अगर आपको लग रहा है कि यस मेरा एकदम 100% क्लियर है, तो अब आप आगे की जो है भर्ती आने वाली है बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। जिसका एक या दो नंबर से रुका है, मैं तो यही बोलूंगी देखो रिजल्ट आ जाएगा तो क्या पता नंबर बढ़ जाए, आपका हो भी सकता है, पिछली बार ऐसा हुआ है बहुत से लोगों के साथ। अगर मैं आपको बताना चाहूं, जिसका एक या दो नंबर से रुका था उनके औसत में उनके 3 से 4 नंबर बढ़ गए थे, क्योंकि आंसर की ढंग से मिलाई नहीं थी। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरे 10 से 15 नंबर कम है, तो आप अभी से यूपी टेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करो, और जिसका हो चुका है वो सी टेट के बाद से, आपको पता है आपको DSSB जस्ट अभी आने ही वाली है आपके लिए, अब एकदम ओपन है सुपर टेट, ये दो बड़ी भर्तियां आपको इस बार देखने को मिलेगी चुनाव से पहले ही, तो अभी से प्रीवियस ईयर पेपर लगाना स्टार्ट करो। और आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूंगी जो कि मैंने हमेशा ही सच बोला है, मेरे पास इतने सारे स्क्रीनशॉट रिजल्ट के आए हैं जिन सब में सब ने एक ही चीज़ बोला है कि उन्होंने केवल प्रीवियस ईयर पेपर फॉलो किया है, ना कोई कोचिंग, ना ही कोई ऑफलाइन ऑनलाइन कोई क्लास नहीं, खुद से सेल्फ स्टडी की है, नोट्स बनाए हैं खुद से और प्रीवियस ईयर पेपर करते गए हैं, उनका 120 130 135 इतने नंबर आए हैं। ठीक है, इसलिए मैंने हमेशा हमेशा से बोला है कि प्रीवियस ईयर पेपर को करते रहो, और जिसका पेपर हो चुका है मैं आपको बोलूंगी कि अभी से DSSB, सुपर टेट, यूपी टेट तीनों की तैयारी स्टार्ट कर दो, पता चले कौन सी भर्ती कब आ जाए। ठीक है, और इसके लिए प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है, तो आप में से इतने सारे लोग बार बार बोले थे कि टेक्स्ट बुक से समझ ही नहीं आ रहा कैसे पेमेंट करें, तो स्क्रीन रिकॉर्ड भी लगा दूंगी, और आज जो है इनकी बहुत अच्छी सेल है, आज ही की है बस। ठीक है, 12 बजे के बाद से इनका सेल वैसे भी खत्म हो जाएगा, तो अगर आप लेना चाहते हो तो ले लो, आपको 18 महीने का पास मिलने वाला है, और इस 18 महीने में आप सोचो प्राइस सोचो 299 से 269, और वो 269 जो हुआ है ना वो GKC कोड यूज करने से होगा। इट मींस कि जैसे आप GKC कोड पेमेंट जो कूपन कोड आता है ना उसमें लिखोगे, आपका जो प्राइस है वो 299 से कम होकर 269 पड़ेगा, और ये 269 आपका 18 महीने के लिए है, और 18 महीने में आप कोई भी एग्जाम का लगाओ, चाहे आपको सुपर टेट करना है, यूपी टेट करना है, DSSB करना है, SSC करना है, बैंकिंग करना है, हर एक एग्जाम का पर अवेलेबल है। मैं तो आपको यही सजेशन देना चाहूंगी कि
अगर आप यूपी टेट देना चाहते हैं या फिर सी टेट या फिर जो सुपर टेट आने वाला है या फिर डीएसएसबी जो आने वाला है, अभी से आज से आप प्रीवियस ईयर पेपर स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि रिजल्ट तो आने ही वाला है। ठीक है, रिजल्ट आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने नंबर है, उससे तो कुछ होने वाला नहीं है। आगे का जो मेन है वो है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जो है डीएसएसबी में या फिर सुपर टेट में एक अपनी सीट जो है वो कन्फर्म कर ले, क्योंकि वो लड़ाई सबसे बड़ी है और उसका रास्ता जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट से ही होकर जाता है। वो आपकी स्पीड को भी बढ़ाएगा, और मैंने आपको बता दिया, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, लेना होगा तो आज ही लेना, क्योंकि कल से इनकी प्राइस बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो क्या ही फायदा है, इतना पैसे क्यों लगाए जब 269 में हमको 18 महीने का मिल रहा है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल डेट कंफर्म करके बता दूंगी जैसे ही सीटेट का रिजल्ट कब आने वाला है और नॉर्मलाइजेशन इन दोनों से रिलेटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट आपको इन्फॉर्मेशन सही समय पर मिले, और वैसे भी मैं हमेशा से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही देती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।